Hi everyone, today we will discuss about The Blue Beet, written by Nora Burke. ये स्टोरी एक छोटी बच्ची के बारे में है कि वो कितनी ब्रेव है, कितनी बहादुर है. ये स्टोरी शुरू होती है एक छोटी सी बच्ची से जो कि 12 साल की है और बहुत ही गरीब घर से है वो. इवन उसके पास पहनने के लिए शूज़ भी नहीं है, स्लीपर्स भी नहीं हैं, और उसने बहुत पुराने पुराने कपड़े पहन के रखे हैं और वो भी कपड़े गंदे से हैं. अब इसके मन में बहुत ढेर सारी बातें आती हैं. ऑफ कोर्स सबके मन में आती हैं जो छोटे बच्चे होते हैं कि उनके पास अच्छे टॉयज़ हों, खिलौने हों और बहुत सारी चीज़ें हों. तो ये बच्ची सोचती रहती थी कि काश मेरे पास भी होता. ये छोटी बच्ची का नाम है सिबिया और ये सिबिया बहुत समझदार है. 12 साल की उम्र में सब कुछ इसने संभालना शुरू कर दिया. घर की पूरी जिम्मेदारी इसने अपने ऊपर ले ली. घर का सारा काम करती थी और बाहर खेतों में भी जाती थी तो खेतों का काम भी यही करती थी. खेत से जब लौट के अपने घर आती थी तो वो खाना बनाती थी और बहुत ढेर सारे घर के वो काम करती थी. अब सिबिया की जो मदर थी और उनकी मदर की जो आसपास नेबर थे वो जाते थे एक रिवर को क्रॉस करके माउंटेन. वहाँ पे इन लोग पेपर ग्रास को कलेक्ट करते थे और आगे वो बेचते थे जिससे कुछ पैसे मिलते थे. तो इन लोग जाते थे, इनकी मॉम जाती थी, सिबिया की मदर जाती थी और साथ में कुछ लोग भी जाते थे. जिस रिवर से उन लोग क्रॉस करते थे उस रिवर में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था. वो दो इंसान के बराबर वो मगरमच्छ था और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था. उसकी लंबाई बहुत थी. तो जब सिबिया की मदर और आसपास की जितनी भी औरतें होती थी जब वो रिवर को क्रॉस करके जाती थी जंगल से तो बहुत ढेर सारे वो लोग क्या करते थे, शोर मचाते हुए जाते थे. क्योंकि जब शोर मचाते हुए जाते हैं तो मगरमच्छ ना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है. उसको ना बहुत ढेर सारे शोर से कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है. तो उन लोग बहुत ढेर सारा शोर मचाते हुए जाते थे ताकि मगरमच्छ उनके पास ना आए, ना उनको हार्म कर सके. क्योंकि मगरमच्छ जो था बहुत ज़्यादा बड़ा था, दो इंसान के बराबर था और बहुत ज़्यादा खतरनाक था. अब क्या होता है, एक दिन सिबिया की मदर और नेबर जाते हैं तो सिबिया भी उनके साथ ही जाती है और रिवर तक पहुंचते हैं. उन लोग तो क्रॉस कर लेते हैं, उनकी मदर और जो आसपास की औरतें होती हैं वो क्रॉस कर लेती हैं. अचानक से सिबिया को याद आता है कि मैंने कुछ मिट्टी के खिलौने बनाए थे और उसको मैंने धूप में सूखने के लिए रखा था. उसको याद आता है तो वो उसकी मदर और जितनी भी होती हैं वो तो क्रॉस करके चली भी जाती हैं और सिबिया क्या होता है कि वो रिवर क्रॉस नहीं, उसने नहीं किया होता है, वो वापस जाती है जहाँ पर उसने मिट्टी के खिलौने बनाए होते हैं और वो अपने मिट्टी के खिलौने को देखती है और अपने मिट्टी के खिलौने को संभाल के रख लेती है. बचपन में हम लोग भी बहुत बनाते थे मिट्टी के खिलौने और जब हम लोग मिट्टी के खिलौने बनाते थे तो उसको धूप में रखते थे सूखने के लिए. जब धूप में रखते थे तो बहुत ज़्यादा वो हार्ड हो जाते थे, मतलब वो अपना शेप ले लेते थे. तो वो अपने खिलौने को संभाल के वहीं पर रखती है और फिर खेत में काम करना शुरू कर देती है. सिबिया के पास एक हे फॉर्क होता है जो जिसमें खेतों में काम किया जाता है उससे. तो वो काम कर रही थी, अचानक से क्या होता है कि आसपास में ही सिबिया काम कर रही होती है खेत में, तो वो जो रिवर होता है वहाँ पे एक औरत जाती है पानी भरने के लिए, साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए. आपको पता होगा कि रिवर में जो कोने कोना होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो वो गहराई में जाती है पीने का पानी भरने के लिए क्योंकि गहराई में साफ़ एकदम पानी आता है, मतलब वो रिवर में बहता रहता है. तो रिवर के जो गहराई में होता है वहाँ पे साफ़ पानी होता है एकदम प्योर. तो वो औरत जाती है अपना घड़ा लेकर साफ़ पानी को भरने के लिए. तब एकदम से क्या होता है, मगरमच्छ उस पानी में आराम कर रहा होता है. उसको मालूम होता है कि पानी में कोई आ रहा है और वो धीरे धीरे जाता है, उसकी आँख खुलती है तो वो धीरे धीरे जाता है और उस औरत के पैर को कस के पकड़ लेता है. अब आपको पता है कि मगरमच्छ की जो वो अपने दांतों से जो पकड़ता है वो कितना टाइट पकड़ता है तो उसको कोई छुड़ा नहीं सकता. वो औरत ना बहुत कोशिश करती है वहाँ से अपने आप को छुड़ाने के लिए बट वो छुड़ा नहीं पाती और बहुत ज़्यादा वो चीखती है, चिल्लाती है, हेल्प के लिए बोलती है.
और पूरा रिवर ब्लड से भर जाता है। और तभी सिबिया जो काम कर रही होती है आसपास के खेतों में, तो उसको सुनाई देता है चीखने की आवाज़। तो वो दौड़ के जाती है और उसे देखा नहीं जाता, और वो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं क्या करूं कि इस औरत की जान मैं बचा लूं। वो सोचती है कि इसकी आंख में अगर मैंने अपना हे फॉर्क मार दिया तो शायद से ये छोड़ सकता है। वो अपनी जान के बिना परवाह करके वो कूद जाती है रिवर में, और रिवर में जाती है और उसके पास जो होता है हे फॉर्क, वो इतनी ज़ोर से इतनी फोर्स से उसकी आंख में मारती है मगरमच्छ के, कि मगरमच्छ की जो आई बॉल होती है उसके अंदर और उसके अंदर मतलब आर पार हो जाता है। तो एकदम से मगरमच्छ ना झटपटाने लगता है और एकदम से उसका मुँह खुलता है और उसके जो औरत का पैर पकड़ा होता है उसको छोड़ देता है। तभी सिबिया उसको उठाती है, उस औरत को मतलब मदद करती है, और उस रिवर से बाहर निकाल के उसके जो पैर में मगरमच्छ ने काटा होता है, दबाया होता है, दबा के उसने पकड़ा था मगरमच्छ ने, तो इतना होल हो गया था। तो उसने सिबिया ने क्या किया, मिट्टी लेकर उसके पैर में लगा दिया और पट्टी बांध दी कि कैसे भी करके खून बंद हो जाए। कैसे भी करके सिबिया उनको अपना सहारा देके उनके गांव में विलेज में पहुंचाती है और वहां पे उनका ट्रीटमेंट होता है उस औरत का। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सिबिया वापस आती है उस रिवर में, क्योंकि उसका जो वो होता है ना हे फॉक वहीं पे रह जाता है, तो वो लेने के लिए रिवर में जाती है। और रात होने लगती है, रात हो ही जाती है, और फिर उसके बाद उसी रिवर में जाती है और जैसे ही अपना वो फॉर्क उठाती है तभी उसको ना एक रिवर में बहुत ब्यूटीफुल सा एक मोती मिलता है ब्लू कलर का, और उसकी चमक इतनी ज़्यादा होती है। और वो मोती उठाती है और वो इतना मतलब वो ऐसा खुश होती है कि जैसे उसको डायमंड मिल गया है। एक मोती के पाने से वो इतना खुश हो जाती है, और वो मोती उठाती है और वो इतना हैप्पी होती है कि अब मैं अपना खुद से नेकलेस बना पाऊँगी, और बड़ा हैप्पी होकर अपने घर में जाती है। तो उसकी मदर ना उसको बहुत ज़्यादा डांटती, पर सिबिया बोलती है आपको पता है मुझे उस रिवर में प्योरा सा देखो कितना बढ़िया सा मोती मिला है, अब मैं खुद का नेकलेस बना सकती हूँ। यहीं पे हम लोग की स्टोरी ख़त्म होती है। तो आपने देखा इस छोटी बच्ची की बहादुरी की, कितनी बहादुर थी ये 12 साल की लड़की, घर की पूरी जिम्मेदारी उसने उठाई हुई थी और बाहर का भी करती थी, और उस औरत की भी इसने जान बचाई। तो ये बहुत ब्रेव थी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।